મુંબઈના મલાડ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં લૂંટનો ભેદ ઉકેલાયો છે। સાત આરોપીઓએ રિક્ષામાં બેસેલ વેપારી સાથે લૂંટ કરી હતી। આરોપીઓએ કંપનીના કર્મચારીઓ પર હુમલો કર્યો હોય પોલીસ આરોપીની ધરપકડ કરી પોલીસે 30 લાખની રોકડ જપ્ત કરી। अगस्त को रात को करीब 12-1 के आसपास पुलिस को रिपोर्टिंग हुआ कि 8-8:30 बजे मारवे रोड मलाड इधर एक बिजनेसमैन के दो वर्कर ऑटो के अंदर कुछ कैश लेके जा रहे थे। तब इनिशियल खबर में 3 लोगों का पता लगा था कि 3 लोग आए, उनको चाकू दिखाया और उनसे पैसे का बैग, 2 बैग से छीन कर भाग गए। FIR के अंदर 75 लाख का इस तरह से रोबरी हुआ, ऐसी FIR रजिस्टर की थी। उसके अंदर इमीडिएटली हमने पूरे जोन के सब डिटेक्शन ऑफिसर, कम से कम 70-80 लोगों की स्टाफ को इसमें काम पे लगाया और 4 दिन से पूरा मुंबई, थाने, मीरा रोड, रायगढ़, औरंगाबाद, नाशिक, अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ क्लू मिला इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभी तक इसके अंदर 7 लोगों को अरेस्ट करने में पुलिस को सक्सेस मिला है। 3 बाइक के ऊपर, 2 बाइक और 1 स्कूटी, ऐसे 3 के ऊपर ऑटो को फॉलो करते हुए कुछ लोग आए और उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था। और खास करके जब इन्वेस्टिगेशन में आगे जाने के बाद जो एक वर्कर, जो दो थे उनमें से एक वर्कर की खुद की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर निष्पन्न हुई है और उसके वर्कर के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण उसको भी अरेस्ट किया है। अभी तक कल सबको अरेस्ट किया है, 2 तारीख को कुछ किया और 3 को 1 को किया अरेस्ट कल। अभी तक 15 लाख कैश पुलिस ने इसमें रिकवर किया है। गुने में यूज की 2 बाइक भी पुलिस को रिकवर करने में सक्सेस हुई है अभी तक। आगे अभी इनका पुलिस कस्टडी 7 तारीख तक है, पुलिस सब इन्वेस्टिगेशन कर रही है।